तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया ये जो वीडियो है ओवरहीट क्यों होता है इंजन, बाइक ओवरहीट क्यों होता है। काफ़ी सारे अभी प्रॉब्लम चल रहा है इंजन ओवरहीट लेके, क्योंकि जब सर्विसिंग आप करा के दे देते हो तो भी ये प्रॉब्लम्स रह जाते हैं और कस्टमर बोलते हैं भाई हमने इंजन ऑयल न्यू डाला तो क्यों ये प्रॉब्लम है, ओवरहीट क्यों होता है, इसका कारण क्या है। और अभी सबसे बड़ी बात है जो अभी इंजन ओवरहीट एक्सेस ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है अभी, क्यों गर्मी का मौसम है और गर्मी का मौसम में इसका जो जितनी बार हम लोग इंजन ऑयल डालें इसका अगर प्रॉब्लम रहे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंजन हीट होने का कारण क्या है। ओवर हीट होने का कई कारण होता है, जैसे कि इंजन ऑयल होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, आरपीएम होता है, तो ये सब कुछ चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों का शॉप पर अगर कोई भी बाइक आ रहा है और बोल रहा है इंजन ओवर हीट हो रहा है, इंजन एकदम बहुत गर्म लग रहा है, तो उस वक्त आप सबसे पहले बाइक को खोलो, खोल के जैसे कि इंजन ऑयल देखो, इंजन ऑयल का लुब्रिकेंट कैसा है, और कस्टमर को बोलो ये इंजन ऑयल कब डाला है, तो बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने 3000 चला दिया है, अब इंजन ऑयल मुझे पता नहीं है कि नहीं। तो सबसे पहले इंजन ऑयल का माप देखो, यहाँ 1 लीटर माप है इस बाइक में, काफ़ी सारे बाइक में 900 ml रहता है, हर कोई बाइक में हर तरह का रहता है, माप देखो और उसका गैबरेटी देखो, चिपचिपाहट देखो कैसा है। एक नंबर आपको इंजन ऑयल देखना है, फिर अगर इंजन ऑयल ख़राब रहे तो आपको न्यू इंजन ऑयल डालना है। फोर स्ट्रोक बाइक के लिए 100 cc वाला जो बाइक होता है मेरे मैकेनिक भाइयों, 10W30 इंजन ऑयल बेस्ट है, क्योंकि अगर हम लोग 20-40 इंजन ऑयल डाल देते हैं तो मोटा इंजन ऑयल इंजन में चारों तरफ पहुँच नहीं पाता है और इंजन ओवर हीट होता है। तो आप लोगों को फोर स्ट्रोक इंजन में 110 cc इस तरह का जो cc होता है आप लोगों को डालना पड़ेगा 10W30 इंजन ऑयल। अब हम लोगों का इंजन ऑयल का काम ख़त्म हो गया, अब हम लोगों को चेकअप करना है बाइक का RPM कैसा है। जैसे कि मान लो हमने बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ और इस बाइक का RPM हमने एक्सीलेटर दे के छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद हमारा RPM जो होता है 1000 RPM का अंदर रहना चाहिए। अगर जैसे कि 1200, 1300, 1400, 1500 RPM रहे तो मैक्सिमम ओवर हीट होता है। तो अगर आप लोगों का RPM 1000 नहीं आ रहा है तो आपको 1000 लाना है, किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप 1100 में करते हो बाइक स्टार्ट बंद हो जाता है, उसके लिए आप लोगों को दोनों रॉकर को स्टोन टॉप में करने के बाद दोनों रॉकर को सेम ढीला रखना है। अगर टाइट रहे तो भी ओवर हीट होता है, बाइक का ताकत नहीं मिलेगा उसका कारण भी होता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को बताया RPM अगर बाइक का हाई रहे, अगर हम लोग काम करते स्टार्ट पड़ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं RPM को ज़्यादा करके बाइक को कस्टमर को दे देता है, उस बाइक में फॉल्ट आएगा। RPM अगर हाई रहे तो ओवर हीट होगा। अब हम आपको बताते हैं मेरे मैकेनिक भाइयों, दो नंबर चीज़ बताया जैसे कि इंजन ऑयल RPM, अब हम आपको बताते हैं बाइक का अगर क्लच ज़्यादा टाइट रहे तो भी ओवर हीट होता है। क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ मेरे मैकेनिक भाइयों, ये क्लच अगर ज़्यादा टाइट रहे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बाइक का जो क्लच का फिंगर है ऑटोमेटिक बाइक में क्लच होके रहेगा, तो क्लच जब हम छोड़ देंगे तो भी बाइक में क्लच होके रहेगा और बाइक का जो जाने जैसे कि बाइक में ताकत मिलती है वो ताकत नहीं मिलेगा, और आपको जाना है 40 के ऊपर पिकअप देते हैं तो बाइक नहीं भाग रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, व्हील नहीं घूम रहा है, ड्राइव चेन नहीं घूम रहा है, लेकिन इंजन घूम रहा है, उसका कारण ओवर हीट होगा। अब हम आपको बता देते हैं कुछ पॉइंट और भी दिखा देते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो व्हील होता है, व्हील को अगर हम लोग पीछे दबा कर रखो, जैसे व्हील को हम लोग चेकअप करेंगे, जैसे इस तरह से घुमाया और ऑटोमेटिक बंद हो गया, देखो नहीं घूम रहा है, तो ये व्हील थोड़ा बीमारी है, ये ब्रेक टाइट है, जैसे नहीं घूम रहा है, अगर इस तरह का अगर प्रॉब्लम रह गया तो बाइक में ओवर हीट होगा। जैसे कि हमने घुमाया और ये आहिस्ता आहिस्ता कर बंद हो गया, तो ये थोड़ा जाम पे, हमें फ्री करना है। अब फ्री किस तरह से करें, जैसे इसका ब्रेक का नाट होता है, इसको ब्रेक हम ढीला करेंगे, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ये जो नाट को ढीला देने के बाद ब्रेक खींच कर और नाट को टाइट करेंगे, ये फ्री हो जाएगा। देखो अभी जाम है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि व्हील का नाट को हम ढीला करेंगे और व्हील को घुमाइए जोर से घुमाइए और ब्रेक मारो, अब व्हील का नाट को टाइट दो, बस। तो व्हील अगर जाम रहे
तो ये ऑटोमेटिक इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो मैकेनिक भाइयों देखो ये व्हील एकदम फ्री हो गया है, एकदम फ्री हो चुकी है, अब इसमें कोई ओवरहीट नहीं होगा। अब पीछे का जैसे कि आप लोग पीछे का भी सेम प्रोसेस आ रहा है, पीछे का भी व्हील अगर जाम रहे तो भी प्रॉब्लम होता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों अभी ये फोल्ड है, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बाइक अगर चेन अगर टाइट रहे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो व्हील को घुमाइए, जैसे कि ये व्हील घूम रहा है, और छोड़ दीजिए अपने आप ये जहाँ बंद होगा। रुको रुको रुको, अरे सो जा क्यों रहा, ऐसे हम घुमा रहा है, अगर कहीं टाइट लगे चेन अगर फुल टाइट रहे तो उस जगह पर हम लोगों को चेन को ढीला करना है, तभी बाइक का ओवरहीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग कहीं एक जगह ढीला है और कहीं एक जगह टाइट, तो हम लोगों को एडजस्ट करना है। किस तरह से एडजस्ट करें मैं आपको बता देता हूँ। व्हील एक जगह पर जैसे कि घुमाते हैं, एक जगह पर चेन हम लोगों का टाइट होता है, उसी जगह को हम लोगों को ढीला करना है और चेन का एडजस्टिंग नॉट को टाइट वगैरह करके छोड़ देना है। तो ये सब चीज अगर आप लोग देखें तो मैकेनिक भाइयों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों आप लोगों को हमने टिप बताया, इंजन अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और कस्टमर जो होता है बार बार हम लोगों को बता रहा है इंजन ओवरहीट क्यों हो रहा है। तो हमने आपने आप लोगों को बताया 4-5 तरीका, वो आप लोग यूज़ कीजिए। इस शॉप में अगर कोई बाइक आ रहा है तो ये ओवरहीट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और बाइक इंजन तो हीट होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इंजन हीट होगा थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, ये सब कुछ फॉर्मूला यूज़ करने के बाद। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।